हेलो गाइस, हम लाइव आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लाइव आ चुके हैं। वी आर लाइव ऑन यूट्यूब फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट वीडियो यू शो आप देखेंगे या फिर आप देख रहे हो, तो ये मेरे लाइफ का ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो है, जो कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो लाइव आपके सामने आया हूँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं यही शेयर करने वाला हूँ कि यार सभी जो बिगिनर जो यूट्यूबर होते हैं, उनकी जो मेन सबसे जो मोस्ट मेजर अनसॉल्व प्रॉब्लम में से एक है, वो यही है कि उन्हें जब वो वीडियोस, उनका तो भाई एम होता है कि यार यूट्यूब पे मुझे आना है। कुछ लोग तो यही सोच के आते हैं कि मुझे नेम लेना है, फेम लेना, मनी लेना। अरे भाई, वो सब तो एक प्रोडक्ट है जो कि हमें ऑब्वियसली डेफिनेटली मिलने वाला है। वी नो इट इन वेरी वेल मैनर, ओके। तो इसमें शक करने की बात नहीं है, बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है कि यार नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, मनी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, ये होगा, वो होगा, मज़ा आ जाएगी, फिर एक्साइटेड होते हो, फिर वीडियो बनाते हो। तो अगर आप इस प्रकार से मोटिवेट होकर वीडियोज़ बनाते हो, तो आपके इतनी बड़ी गलती जो कर रहे हो, उतनी बड़ी गलती मुझे नहीं लगता कोई और करता होगा। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बट ये गलती जो बिगिनर होते हैं, वो ये गलती से दूर रहने का प्रयास डेफिनेटली हमेशा करना चाहिए, ओके। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप यूट्यूब पे आए हो, यूट्यूब पे अगर आप आए हो, तो यूट्यूब पे ये सब तो भाई ऑब्वियस सी बात है आपको मिलने वाला है। आप मेन फोकस करो अपने वीडियोज़ पर, अपने कंटेंट पर। ये सब बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने भी ये चीज़ को बहुत सुना है और सब ये बोलते भी हैं, बट कोई इतना क्लियरली, इतना खुल के, वो बहुत खुलने वाले बहुत लोग मैंने देखा है, खुले भी है, बहुत खुल जाते हैं, तो 70, 72, 60, 100 इतने नीशेस लेके कैटेगरीज वीडियो के लेके आ जाते हैं कि गेमिंग पे खोल लो, गेमिंग पे खोल लो, टेकिंग टेक कर लो, एडिटिंग कर लो, टेक्नोलॉजी कर लो, वीडियो एडिटिंग कर लो, फोटो एडिटिंग कर लो, तो ग्रीन स्क्रीन कर लो, ये सब कर लो, वो सब कर लो। बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज लेके आते हैं, बहुत अलग अलग बंदे जो होते हैं, मतलब पूरी कैटेगरी को सामने आपके रख देते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनकी जो रिसर्च है, या फिर जहाँ से भी वो छाप के वो कंटेंट को लेके आते हैं, मुझे अच्छा लगा। एंड मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों को कि यार, तुमने जिस प्रकार से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो तो बताते नहीं हो। तो देखो भाई, हम बकवास के मूड में ना बढ़कर एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, तुम्हें करना क्या चाहिए। अब आपको भी अंदर से एक क्यूरियोसिटी उड़ रही होगी कि यार पता ना, मुझे भी पता है कि यार कोई बताता नहीं, कोई ये नहीं करता, कोई वो नहीं करता, दूसरे से क्या क्या करना तुझे भाई, तू अपना करना भाई, तू वीडियो के सामने बैठा है, तू लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, तू बताना भाई, तुझे हम क्यों दिख रहे हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड आप मुझसे जानना चाहते हैं, ओके। तो मैं आपको अगर अपने नज़रिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊँ, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में, इन बिगिनर्स के जो यूट्यूबर होती है, बिगिनर जो यूट्यूबर होते हैं, जो कि पहली बार यूट्यूब पे आए हैं, जो जस्ट वीडियो बना रहे, नए चैनल खोल रहे, अपने लोगो बना रहे, चैनल का बैनर बना रहे, मस्त पूरी डिस्क्रिप्शन लिख रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो वेरी गुड, करते रहो, बट उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। मेन तुम्हारी जो, जिसके वजह से तुम आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, वो तुम्हारे वीडियोज़ की वजह से बढ़ोगे, और वीडियोज़ तभी अच्छी हो पाएगी जब तुम अच्छे हो पाओगे। जितना, क्योंकि देखो ये बात एकदम सच, 100% ये चीज़ एकदम सही है, सही बोला जिसने भी बोला है, एकदम परफेक्ट बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर हमें अपनी बॉडी बनानी है, हमें अपनी मसल्स को तगड़ा करना है ना, तो मसल्स को तगड़ा करने के लिए ना, हमें इस मसल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी मसल्स बन जाएंगी। मसल्स को मोटिवेट, मतलब अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है कि यार रोज़ रोज़ मोटिवेट हो रहे हो कि यार नहीं, रोज़ रोज़ मोटिवेट हो रहे हो कि हाँ मेरी बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी, काम भी कर रहे हो बहुत, तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको साफ साफ कहूँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बॉडी बनाने के लिए जितना डाइट ज़रूरी है, जितना जितना डाइट ज़रूरी है, जितना जिम ज़रूरी है, जितना टाइम जिम में बिताना ज़रूरी है, जितना टाइमिंग अपने इस हेल्थ, अपने इस फिटनेस, अपने इस बॉडी को फिट करने के लिए देना ज़रूरी है, उतना ही तुम्हें उससे कई ज़्यादा प्रतिशत अपने इस माइंड पे, अपने इस दिमाग पर, अपने इस ब्रेन पर फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस मतलब इस ब्रेन को ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए, इस माइंड को एक एक तीर की तरह, एक
एक तीर की तरह, जैसे कि जब अर्जुन से पूछा गया कि भाई तुम्हें सबको तो पूछा गया कि तुम्हें ये जो तोता है, ये जो है ये जो चिड़िया है, चिड़िया में तुम्हें क्या दिख रहा है, सबने कुछ ना कुछ बता दिया, बट अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन का फोकस तगड़ा था। अर्जुन ने फोकस के साथ बोला कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है गुरु जी, मुझे आई डोंट सी एनी थिंग, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय उस चिड़िया की आँखों में, के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो गुरुजी ने उन्हें भटकाने का भी बहुत प्रयास किया, बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ उन्होंने तीर चलाई और प्रतियोगिता जीत गए। और सबसे सबसे बुद्धिमान एंड सबसे स्मार्टेस्ट, जो सबसे मतलब स्मार्टली काम करने वाले, एक सक्सेसफुल जो भी बोल लो उसको, मतलब काफ़ी स्मार्टली एक्ट कर गए। तो क्या, तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से करना है। अगर आपको वीडियोस अच्छी बनानी है तो पहले अपने आप को अच्छा बनाओ, पहले अपने आप को यहाँ से तगड़ा करो, यहाँ से नॉलेज से भरो अपने आप को, यहाँ से नॉलेज से भरो, पूरी आजू बाजू की इंफॉर्मेशन सब कुछ छोड़ो, जिस जो भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वीडियोज़ बनाने के लिए उस पर फोकस करो, एक सीरियसली काम करो, एक सीरियस मैटर में काम पर अपने फोकस करो। और जितना तुम काम पर अपने फोकस करोगे उतनी अच्छी वीडियोज़ बनेगी, और वीडियोज़ बनेंगी फिर उस पर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये तो ये सब तो फिर करना ही है, बट मेन जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो मेरे हिसाब से वीडियोस पे होना चाहिए, कंटेंट पे होना चाहिए। यार तुम कंटेंट में क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उसे करने से क्या हो जाता है, ऑडियंस अगर वो उस वीडियो को देखती है तो उन्हें क्या कुछ फ़र्क पड़ता भी है, बस वीडियोस को देखा और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट्स नेवर मैटर। ओके, तो ये सब कुछ ज़रूरी बातें थी जो कि आपको मुझे शेयर करनी थी, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, वो बाद में आप कर सकते हो, बट प्लीज़ ये वीडियो को जो मैंने बताया है उस पर ध्यान ज़रूर रखें, एंड वीडियोस को बनाएं, वीडियोस बनाते जाओ, भले कोई देख नहीं रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे, 9 व्यूज़, 0 व्यूज़, 5 व्यूज़, 10 व्यूज़, जो भी हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अपने कंसिस्टेंसी